और आज हम लोग सूरज पे पानी डाल के देखेंगे सूरज की क्या हालत होती है। लेकिन हम अचानक सूरज पे पानी क्यों डालेंगे, वो भी जानना चाहिए ना। वेल, अभी गर्मी का मौसम चल रही है और सूरज की तापमान बहुत ही ज़्यादा है, जो हम सभी को बहुत ही भारी पड़ रही है। और इसके ऊपर से है लोड शेडिंग, जो कुल मिलाकर पूरा एक अनबियरेबल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। और इस हालत में हम किसी को कभी ना कभी एक हल तो जरूर आए होंगे, क्यों ना हम सूरज पे ही पानी डाल दे तो सूरज ही ठंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तीन प्रॉब्लम है। पहला, दो प्रॉब्लम की जुगाड़ तो हम किसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन आखिरी जो प्रॉब्लम होगा उसमें हमारी ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए ये सब प्रॉब्लम की एनालाइज किया जाए। पहला प्रॉब्लम तो ये है, हम सूरज पे पानी कैसे पहुँचाएं, क्योंकि सूरज हमारी धरती से 150 लाख किलो दूरी पे स्थित है और हमारे पास तो इतना लंबा पाइपलाइन भी नहीं है। फिलहाल अब क्या करें, चिंता मत कीजिए दोस्तों, हम रॉकेट से भी पानी भर के ले जा सकते हैं। लेकिन रॉकेट पे पानी लेकर आने जाने में फ्यूल की खर्चा की तो ऐसे की तैसे पड़ जाएंगे, फिलहाल यह पूरी तरह से नामुमकिन है। अब आते हैं दूसरा प्रॉब्लम पे। मान लीजिए हमने किसी भी उपाय से सूरज पे पानी पहुंचाने में कामयाब हुए और हमने सूरज पे पानी डाल दिया और सूरज पहले से बहुत ही ठंड हो गई। अब धरती का गर्मी तो कम होंगे, लेकिन उसके साथ साथ हर जीवों का विनाश भी शुरू होगा, क्योंकि सूरज हमारी ब्रह्मांड की एकमात्र ऊर्जा पैदा करने वाले सितारे हैं। और हर दिन जब सूरज की रोशनी धरती पर आते हैं, तब ये अपने साथ साथ हर जीवों का खाना भी लेकर आते हैं, जिसका एकमात्र उपाय है फोटोसिंथेसिस। और जब सूरज की ऊर्जा ही नहीं पहुंचेगा, तब फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तब पूरा धरती का फूड चेन सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। और देखते देखते कुछ दिनों के अंदर हमारे धरती एक शमशान बन जाएंगे। वेल, ठीक है, मान लो हमने इसी प्रॉब्लम का भी किसी ना किसी जुगाड़ कर लिया है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहे हैं। अब आते हैं आखिरी प्रॉब्लम में। देखो, सूरज की जो रोशनी है, जो ऊर्जा है, वो पैदा होती है एक फ्यूजन रिएक्शन से। सूरज के अंदर हर सेकंड में हाइड्रोजन और हीलियम का लगातार रिएक्शन चल रही है, और यही पे डालेंगे हम पानी, यानी कि H2O, जो मान लो हम सूरज पे पानी नहीं बल्कि सीधा सीधा एक केमिकल डाल रही है। और जैसे ही हम सूरज पे उसका समान वजन की पानी डालेंगे, उसके अगले वक्त में यहाँ पर शुरू होगा हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन का एक महारिएक्शन, और हमारे सूरज एक जायंट स्टार बन जाएंगे। उसके साथ साथ ब्रह्मांड में एक महाधमाका होगा और हमारी धरती के साथ पूरा गैलेक्सी खत्म हो जाएगा। तो अब समझ में आया होगा सूरज पे पानी डालना कितना खतरनाक होगा, एंड ऑब्वियसली जो पूरी तरह से इम्पॉसिबल भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, आप क्या जानना चाहते हो, आपके सवाल हमें कमेंट करो। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपके सवाल के साथ। तब तक के लिए प्यार में रहिए हमारे और प्रकृति के साथ।